सिख समस्याएं ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जो लोग एकदम ऐसा ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, मन के मन में रखते हैं, घुटन हो जाती है। इसमें दोनों पुरुष और स्त्री के रिश्ते खराब हो जाते हैं, शादियां टूट जाती है। दिमाग में ज़्यादा समय रखे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो ऐसी कौन सी पांच समस्याएं हैं कि जो आप वैसे ही बिना डॉक्टर को मिले भी ठीक कर सकते हैं? कि डॉक्टर को मिलना भी लोगों को टेंशन वाली बात लगती है कि डॉक्टर को जाके कैसा मिलूं। अपने गांव में जाते हैं डॉक्टर के पास में तो उनको लगता है कोई देख लेगा, कोई पूछ लेगा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा कि वैसे एक समस्या है ऐसा बोलना। बाहर गाँव जाओ तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, घर बैठे बैठे आपका इलाज कैसे होगा, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहली जो समस्या आमतौर पर दिखाई देती है, 100 पुरुष समझो हम लेते हैं तो 100 में से 30 कम से कम 30 लोगों को ये समस्या है। जो मेरे पास में आते हैं 100 पेशेंट और 100 में से 90 लोगों को ये समस्या है, और वो है प्री मैचर इजैकुलेशन, जल्दी गिर जाना, मतलब एक मिनट के अंदर ही गिर जाना, हाथ लगाते लगाते ही गिर जाना, टच करते करते गिर जाना, अंदर डाल देते तो उस समय गिर जाना, ये प्री मैचर इजैकुलेशन है। और इससे दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, शक होता है दोनों के ऊपर। है ना, एक बार लोगों को हार्ट अटैक आ गया तो बोले ठीक है यार हार्ट अटैक आ गया, दवाई लेंगे, कुछ ये करेंगे, देख लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और सेक्स समस्या बोल दिया तो लोगों को उससे भी ज़्यादा लगती है प्रॉब्लम, क्योंकि सवाल दोनों का है, समाज का है। तो इसलिए प्री मैच इजैकुलेशन का घर के घर में इलाज हो सकता है, जिसमें स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, जिसका मेरा वीडियो और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए आप देख सकते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का वीडियो है। दूसरा मेरा वीडियो है जो स्क्विज टेक्निक बोला जाता है, वो भी आप घर में बैठ के इलाज कर सकते हैं, स्क्विज टेक्निक का। कीगल्स एक्सरसाइज है तीसरा। तो ये घर बैठे बैठे इलाज आपका हो सकता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस है कि जो प्री मैचर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में दिए हुए, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। नंबर एक, प्री मैचर इजैकुलेशन, ये आप अपने आप ठीक कर सकते हैं। नंबर दो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में कठोरता नहीं आना। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि लिंग में कठोरता आती नहीं है, कुछ लोगों को मामूली सी आती है, और फिर योनि में लिंग का प्रवेश होता नहीं है, और बहुत वो शर्मनाक बात हो जाती है, शर्मा जाते हैं लोग, इज्जत चले जाती है, प्रॉब्लम आता है, और स्पेशली शादी होने के फिर तो उसको लगता है कि मैंने खुदकुशी करना चाहिए। उसके लिए भी इलाज जो जरूरी है, जो करना जरूरी है, वो है घर के घर में हो सकता है। उसमें आप यदि खाना जो है वो बैलेंस डाइट रखते हैं, 7-8 घंटे की नींद, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन, हिप्नोसिस, 4 रिलेशनशिप अच्छी रखना, 5 वजन कम, 6 डायबिटीज होगा तो कंट्रोल में, 7 तंबाकू, 8 शराब की लत कम करना। तो ये चीज़ें आप घर घर में करते हैं बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी वीडियो मेरा है, बिना दवाई का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप देख के आपका इलाज कर सकते हैं। नंबर 3, स्पर्म काउंट का कम होना। क्या होता है कि स्पर्म काउंट का कम होने से लोगों को, मतलब औरत को गर्भधारण होती नहीं है, उनको लगता है कि भाई अपने स्पर्म काउंट कम है तो फिर बहुत सारी परेशानियाँ होती है, लोग परेशान करते कि क्यों शादी को 1 साल हो गया अभी कुछ गुड न्यूज़ नहीं किया, 2 साल हो गए गुड न्यूज़ नहीं किया। वैसे भी हमारे समाज में बच्चा तो होना ही जरूरी है, एक मातृत्व का भी एक अलग सुखद अनुभव है, वो भी लेना चाहिए। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए फिर दवाई है, और फिर प्रेगनेंसी रखने के लिए कौन से दिनों में सेक्स करना जरूरी है वो करते हैं, और स्पर्म काउंट के लिए खान पान जो है वो आप अच्छा रखते हैं तो बिना दवाई का भी स्पर्म काउंट अच्छा हो सकता है, और कम स्पर्म काउंट में भी बच्चा हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट। नंबर 4, सेक्स की इच्छा की कमी। अब सेक्स की इच्छा ही नहीं होना, सेक्स की इच्छा नहीं होना, लैक ऑफ सेक्स इंटरेस्ट या लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 जो बहुत महत्व का है वो है स्ट्रेस, दिमाग के ऊपर बहुत तनाव होना, सेक्स के बारे में ऐसे विचार होना कि सेक्स गंदा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, सेक्सुअल एब्यूज बचपन में होना, ऐसी काफ़ी सारी बातें होती हैं। इसमें साइकोथेरेपी दे दिया,
या मन को एक कि भाई ठीक है जो हो गया वो पास में हो गया, उसका मैंने भी कैरी नहीं करना है, तो आप मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा है कोई भी टेंशन घर में लाने का नहीं। टेंशन जब बाहर का बिजनेस का घर में लाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। इसमें शराब का इस्तेमाल नहीं करना कि लोगों में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, शराब पी लेते हैं और बाद में दूसरा ही प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो सेक्स की इच्छा कम होना, उसके लिए भी मेरे वीडियोज है, वो आप देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सबसे बेहतर ये है कि सेक्स इच्छा अच्छी होने के लिए, रहने के लिए टेंशन कम करना जरूरी है, स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है। नंबर 5, लोगों को पहली बार सेक्स करने में दिक्कत आती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। पहली बार सेक्स करने के समय पहली बार सक्सेसफुल होना ही चाहिए, ऐसी जिद नहीं करना। पहली बार तो कभी आपने टांग डाल के साइकिल चलाई नहीं, उसमें तो गिर गए 2-4 बार, वैसे पहली बार सेक्स का है। हो सकता है कि पहली बार सेक्स आपको होगा ही नहीं, मालूम ही नहीं सेक्स कैसा करते, उसके बारे में जानकारी नहीं, और फिर उसमें फेल हो जाते हैं। तो गो स्लो, आराम से जाओ, बातें करो, रोमांस करो, और 2-4 एनकाउंटर हो गए ऐसे कि बाद में सेक्स करो, ऐसे करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो ऐसे कौन से 5 प्रॉब्लम है? नंबर 1, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नंबर 3, स्पर्म काउंट का कम होना, शुक्राणु का कम होना। नंबर 4, सेक्स ड्राइव या सेक्स की इच्छा या सेक्स इंटरेस्ट कम होना। नंबर 5, पहली बार का सेक्स। ये जो आप करते हैं इसके लिए आप घर में खुद का खुद इलाज कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर आपको ऐसा लगता है कि सब करने के बावजूद भी फायदा नहीं हुआ, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए हुए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।